पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वाली हस्तियों में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इन गुमनाम चेहरों में दशकों से किसी प्राचीन कला को संजो कर रखने वाला चित्रकार है, तो कोई गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाने वाली महिला। आज हम आपको मिलाते हैं 10 ऐसे ही नायक और नायिकाओं से जिन्हें इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मिलिए बसंती देवी से। उत्तराखंड की बसंती देवी, पेड़ों को कटने से बचाना हो या कोसी नदी को नई जिंदगी देना, बसंती देवी का योगदान अतुलनीय है। साल 2016 में बसंती देवी को महिलाओं के लिए देश के सर्वोच्च पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। शंकर नारायण मेनन। केरल से आने वाले शंकर नारायण मेनन लिविंग लीजेंड हैं। उन्होंने कलारी नाम की प्राचीन मार्शल आर्ट्स को देश में जिंदा रखा है। 93 साल की उम्र में वो त्रिशूर में उन्नी गुरुकुल नाम से ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। शकुंतला देवी। असम के कामरूप से आने वाली 102 साल की गांधीवादी समाज सेवी आसपास के इलाकों में शकुंतला बाईदेव के नाम से जानी जाती हैं। मारिया क्रिस्टोफर बिस्क्री। पोलैंड के मारिया क्रिस्टोफर बिस्क्री ने प्राचीन भारत के नाट्य शास्त्र पर 100 से ज्यादा लेख लिखे हैं। भारत में पोलैंड के राजदूत भी रहे हैं। हिम्मत राव बावस्कर। महाराष्ट्र में डॉक्टरी करते हुए बिच्छू और सांप के जहर का इलाज, जिस पर उनका शोध पूरी दुनिया में मान्य है। आचार्य चंदना जी जैन धर्म की प्रमुख धर्म गुरु हैं। 1974 में बिहार में वीरयतन की स्थापना की। ये संस्था दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में सेवा का पाठ पढ़ाती है। एस दामोदरन। तमिलनाडु के एस दामोदरन स्वच्छ भारत के एम्बेसडर हैं। दक्षिण भारत के गांवों और स्लमों में घूम घूम कर सफाई का पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। बीनो देवी। मणिपुर में 5 दशक से भी ज्यादा समय से उन्होंने लीबा नाम की टेक्सटाइल आर्ट को संजो कर रखा है। इनके बनाए ऊनी जूते न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में मशहूर हैं। खांडू वांगचुक भूटिया। 62 साल के खांडू वांगचुक भूटिया टंगखा पेंटिंग के उस्ताद हैं। कॉटन और सिल्क पर ट्रेडिशनल बौद्ध पेंटिंग बनाने में उनका कोई सानी नहीं। वशिष्ठ त्रिपाठी न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वानों में गिने जाते हैं। रिटायर होने के बाद भी वो कबीर नगर में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।